Hey makeup lovers, I am Sonali. Welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सिंपल इजी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो मैं डेली करती हूँ. मैं जो भी प्रोडक्ट इस वीडियो में दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट ही आप यूज़ करेंगे तो ही आपको अच्छा स्किन केयर मिलेगा. ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप. तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वादी हवल का नीम फेस वॉश विथ टी ट्री ऑयल. ये मेरे ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बिल्कुल ही अच्छा है. ये मेरे पिंपल्स को भी प्रिवेंट करता है और टी ट्री ऑयल मेरे डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशंस को भी रिड्यूस करता है. और मैं इसे नॉर्मली जैसे हम सब फेस वॉश करते हैं वैसे ही फेस वॉश करूँगी, लेकिन आप देख रहे हैं मैं थोड़े फेशियल स्टेप्स को भी फॉलो कर रही हूँ जस्ट बिकॉज इट इज़ नाइट टाइम और नाइट को हमारा फेस बहुत टायर्ड हो जाता है, हम खुद टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा फेशियल स्टेप्स करने से फेस ग्लो करता है. नेक्स्ट इसे वॉश कर लूँगी अच्छे से. फॉर स्क्रबिंग आई एम यूजिंग क्लीन एंड क्लियर डेली ब्लैक हेड स्क्रब. इसमें जो ब्लैक हेड बीन्स हैं वो इतने सॉफ्ट और डेलिकेट है कि ये डेली के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें स्क्रबिंग सिर्फ वीक में दो ही बार करना चाहिए. तो मैं सिर्फ वीडियो में आपको प्रोसेस दिखाने के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इसे टू टाइम्स ही यूज़ करती हूँ वीक में. और अच्छे से स्क्रब करूँगी जहाँ जहाँ मेरे ब्लैक हेड्स हैं. फोकस कर रही हूँ अपने टी जोन को और अपने नोज़ को. ये डेड स्किन को रिमूव बहुत अच्छे से करता है. देन सिंपली वॉश कर लूँगी और अपने फेस को देन मैं पैड ड्राई करूँगी विद अ क्लीन टॉवल. अपने फेस को अच्छे से पैड ड्राई करना है यूजिंग ओनली फेस टॉवल. अपने फेस टॉवल को हमेशा डिफरेंट रखना चाहिए. नेक्स्ट फॉर क्लेंजर आई एम यूजिंग हनी एंड एलोवेरा जेल. हाफ स्पून हनी एंड हाफ स्पून एलोवेरा जेल, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब आप अपने फेस पे क्लेंजर की तरह इसे यूज़ करेंगे इतना अच्छा इफेक्ट आएगा. इंस्टेंटली आपका फेस इतना ब्राइटन अप हो जाएगा, इतने आपका फेस एकदम रेडियंट दिखेगा. एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, डेड स्किन रिमूव करता है, आपके फेस पे ग्लो ऐड करता है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो कोई बात ही नहीं. 2 मिनट्स मसाज करने के बाद आपको इसे पानी से धो लेना है सिंपली एंड देन अगेन पैड ड्राई करना है. ये स्टेप मेरा फेवरेट है, मैं कभी स्किप नहीं करती. देन मैं टोनर ले रही हूँ, आप कोई भी टोनर ले सकते हैं. मैं यहाँ पे अपना टोनर ले रही हूँ एंड देन कॉटन पैड पे लगा के स्प्रे करके मैं अपने फेस पे जो भी रेसिड्यू बाकी रह गया है वो लगाऊंगी. टोनर जो होता है वो पीएच लेवल मेंटेन करता है और जो भी हमारे पोर्स में कुछ भी सेटल अभी भी रह गया हो इतने स्टेप्स करने के बाद उसको क्लीन आउट करता है. अच्छे से आपको क्लीन करना है अपने टोनर से. आपको लगेगा कि कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी मुझे कॉटन पैड पे, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल. आप देखिए बिल्कुल मुझे गंदगी दिखती है हर बार. देन फॉर आई सीरम आई एम यूजिंग वादी आई अंडर आई क्रीम विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. आई थिंक इट्स 54 रुपीज़ फॉर 30 ग्राम्स. और इससे आपको सिंपली मसाज करना है. ये बहुत ही थिक मॉइस्चराइज़र है क्योंकि हमारी ड्राई स्किन जो अंडर आई स्किन जो होती है वो सुपर ड्राई होती है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है. देन आपको सिंपली इसे अपने फिंगर टिप से मसाज करना है और ये बिल्कुल सोक्ड अप हो जाएगा, रिंकल्स को भी प्रिवेंट करता है. देन फॉर माय फेस मॉइस्चराइजिंग या नाइट टाइम आप क्रीम कह सकते हैं, मैं यूज़ करूँगी वादी की एंटी एक्ने क्रीम बिकॉज आई हैव ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन सो पिम्पल्स कमिंग आउट फ्रीक्वेंटली, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए मैं अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ. ये एंटी एक्ने है, फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और अच्छे से आपको इसे अप्लाई करना है. देन फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग ब्लू हेवन लिप बाम इन दिश इन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. बहुत ही अच्छे से अप्लाई करूँगी, ये बहुत ही अच्छा है, थिक कंसिस्टेंसी है. सो माई नाइट टाइम स्किन केयर इज़ कम्प्लीट. आई होप यू लाइक इट. सो आई लव यू ऑल एंड गुड नाइट.